हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी फॉर द डिले। देर वाज सर्टेन डिस्कनेक्ट, देर वाज सर्टेन प्रॉब्लम विद द इंटरनेट, दैट इज द ओनली रीजंस लेट हो गया। तो प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग स्टार्ट करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए, सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। प्लीज एवरीवन ज्वाइन सो वी कैन स्टार्ट द टुडेज क्लास। हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा तक ही कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सैंपलिंग की। प्लीज ज्वाइन एवरीवन, टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वी आर वेटिंग फॉर अनदर 1 मिनट, अदरवाइज विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट द सैंपलिंग की हम लोग बात करेंगे। तो ज्वाइन एवरीवन वंस अगेन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड सैंपल की बात करेंगे, सैंपलिंग टेक्निक्स की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, इन सब चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। जल्दी से पहले एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलो, सो ऑल दोस कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज अनुभव सिंह। सिंस लास्ट 11 इयर्स, इवन द मोर देन 11 इयर्स टेकिंग द क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड आई यूज टू वर्क विद इंडिया टॉप टीचिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IIM लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LPU, MIT यूनिवर्सिटी, शारदा, IFMTR, यूपी गवर्नमेंट, मेंटर्ड एंड गाइडेंस मोर देन 1000 प्लस कैंडिडेट फॉर यूजीसी नेट इन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। वैसे तो कई बार है, बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट 5 टाइम्स नेट JRF इन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। Published the more than 20 research paper in index journals like Scopus, Thomson Reuters, UGC CARE, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So topic for presentation that is called sample, sampling. So sample क्या होता है, जैसे कि कोई भी collection of data कि हमने आपको बता दिया, आप जिन पर research कर रहे हैं, जैसे कि पूरे दुनिया में 700 billion people are living there, 700 करोड़ लोग रहते हैं, सो वी कॉन्ट डू रिसर्च इन द अक्रॉस द ग्लोब। तो सैंपल क्या है कि सैंपल नाम से समझ में आ रहा है कि सैंपल इज अ नेम इंप्लाइज इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज होल, सिंपली स्पीकिंग द मैथड्स ऑफ सिलेक्टिंग ए स्टडी पोर्सन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपलिंग। दोबारा बता रहे हैं, सैंपल नेम इट सेल्फ इंप्लाइज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज होली, सिंपली स्पीकिंग द मैथड्स ऑफ सिलेक्टिंग स्टडी पोर्सन ऑफ द यूनिवर्स। तो पूरे पूरे यूनिवर्स से, टोटल पॉपुलेशन से, पूरी दुनिया से 500,000 2,000 लोगों का जो डेटा पिक कर रहे हो दैट इज कॉल्ड, उस सैंपल को पिक करने के जो टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो उसको हम लोग कहते हैं सैंपलिंग। तो सैंपलिंग इज नॉट एनीथिंग विच इज फॉलोड ओनली इन स्टेटिक्स।
इट इज यूज इन एवरी डे लाइफ, हम लोग सब जगह उसको यूज करते हैं। भले एक एग्रीकल्चर की बात करिए, अब साइंसेस में बात करिए, केवल स्टेट की बात नहीं करते हम लोग, मार्केटिंग में सब जगह हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग फ्रेम इज द लिस्ट फ्रॉम विच द पोटेंशियल रिस्पॉन्डेंट आर ड्रॉन, जहां पर हम लोग पूरे पोटेंशियल रिस्पॉन्डेंट को ड्रॉन करते हैं। तो सैंपल इज स्मॉलर बट होपफुली रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ द यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन यूज टू डिटरमाइन ट्रूथ अबाउट दैट पॉपुलेशन। फील्ड ने 2005 में पेपर लिखा था, उसमें सेम डेफिनेशन दे हैव बीन रिटन डाउन। सो व्हाट इज कॉल्ड सैंपलिंग, सैंपलिंग की हम लोग जब बात करते हैं, सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। तो थ्री एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग, सेलेक्टिंग द सैंपल्स, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, मेकिंग द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। पूरे यूनिवर्स में से जो एक डेटा पिक कर रहा हो, जिनके बीच में आपको अगर प्राइमरी डेटाबेस रिसर्च कर रहे हैं आप, जिनसे आपको क्वेश्चनियर फिल करवाना है, व्हाट एवर द सैंपल्स यू आर पिकिंग, तो उस सैंपल पिक करने की टेक्निक्स को, व्हाट एवर द स्ट्रेटजी, व्हाट एवर द टेक्निक्स यू आर फॉलोइंग, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। सो देयर आर थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग, सिलेक्टिंग द सैंपल्स, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, making the inferences about populations. Statistics parameters की पता है कि values obtained from a study of sample, parameters as values from the study of population. Sampling process क्या होता है? इससे एक बार question sequence में लगाने के लिए आया था paper one में, हमने पहले ही बताया था, all those candidates who are going to be appear with the management, commerce, economy, sociology, education, psychology, उनके paper two का भी part होता है research. Even the home science also, there are numerous number of subjects जिसके paper 2 में भी research का part होता, paper 1 में तो सभी का part है। So what is the sampling process? जहां पर भी बच्चों आप लोग को doubt लगे, you can ping, you can send the messages, I'll try to reply you, revert you back. So first हो गया defining the population of the concern, पहले पूरी populations किया, उसको define करना, specifying the sampling frame, a set of items or event possible to the measure. Specifying a sampling methods for selecting items or event from the frame. Fourth, determining the sample size. कि sample size आपको आगे बताएंगे भी कि sample size कितना होना चाहिए. एक certain standards होते हैं. And implementing the sampling plan and sampling and the data collection. So there are six steps starting from the population of the concern. भाई अपने topics से related ही तो आप कहीं ना कहीं samples उठाने की कोशिश करेंगे ना, because whole world में more than 700 crore people are living, 700 crore लोगों से ज्यादा पूरे दुनिया में लोग रह रहे हैं, उनके भी उन सारे लोगों से data भरवाना तो that is totally next to impossible. But what कि हम लोग उसमें से कुछ ऐसे लोगों को, very good evening रमा, तो हम लोग कुछ ऐसे लोगों से fill करवाएंगे जो आपके डिफाइनिंग द पॉपुलेशन पर कंसर्न, पहले आपको पॉपुलेशन डिफाइन करना है, फिर स्पेसिफाइंग ए सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग को फ्रेम स्पेसिफाई करना, उसमें सेटअप द आइटम्स कौन कौन से, इवेंट पॉसिबल टू मेजर, स्पेसिफाइंग ए सैम्पलिंग मेथड्स फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स और इवेंट फ्रॉम द फ्रेम, फोर्थ डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज, इंप्लीमेंटिंग द सैंपलिंग प्लान एंड सैंपलिंग एंड डेटा कलेक्शन। अब बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ सैंपलिंग, आपको सैंपलिंग करते समय इन चार बातों का ध्यान रखना है। पहला हो गया रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि सैंपल सिलेक्टेड शुड फुल्ली रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन, द मीन्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स और द फीचर ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द सैंपल। मतलब अगर मान लीजिए कि टोटल जिन लोगों पर आपको रिसर्च करना है, टोटल पॉपुलेशन उन लोगों की मान लीजिए कि 100,000 है, उनमें से आपको 100 लोगों को पिक करना है, तो आप ऐसे 100 लोग पिक करिए जो पूरे 1000 को, पूरे 100,000 को वो रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव इज ऑल अबाउट व्हाटएवर द सैंपल्स यू आर पिकिंग व्हिच शुड रिप्रेजेंट द होल डेटा रिलेटेड विद योर रिसर्च, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो डेटा शुड बी इन अ रिप्रेजेंटेटिव नेचर, एडिक्वेसी, सैंपल साइज एक एडिक्वेट होना चाहिए। मान लीजिए सैंपल साइज आपका 10 का लिया और पूरी पॉपुलेशन है 130 करोड़ की, तो आपके पास रिजल्ट्स परिणाम सही नहीं आएंगे। या मान लीजिए कि 10 आप मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हो कि स्कूल्स का रिजल्ट की या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हो, 10 स्कूल आप उठा रहे थे, तो किसी आप एक स्कूल से एक बच्चे को उठा रहे हैं तो 10 स्कूल से 10 बच्चों को उठाएंगे, उसने अगर निगेटिव बोल दिया तो पूरे स्कूल की क्या होगी, इमेज खराब हो जाएगी। तो डेटा शुड बी इन द एडिक्वेट नंबर, ना बहुत ज्यादा लेना है ना बहुत कम लेना है। फिर हम लोग बात करते हैं एंडमनेस, इंडिपेंडेंस की बात नहीं है यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंसी और रैंडमनेस।
डेटा शुड बी पिक्ड इन अ रेंडम इन द नेचर। रेंडमली डेटा पिक करना है आपको, कैसे पिक करना है, रेंडमली पिक करना है ताकि एवरीबडी विल गेट द इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ताकि सारे के सारे लोगों को एक समान चांस मिले सिलेक्ट होने को, उसको बोलते हैं रेंडमनेस। होमोजेनिटी, नो बेसिस डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ यूनिट्स। अगर एक जगह से अगर 100 लोगों का डेटा उठा रहे हो तो सारी जगह से 100 लोगों का उठाना है। तो एनी नंबर ऑफ सैंपल्स कुड बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन, बट ऑल दीज सैंपल्स शुड हैव सिमिलरिटीज इन एवरी एस्पेक्ट, एवरी रिस्पेक्ट। दिस इज सपोज टू रिसर्चर, सपोज दैट सिलेक्टिंग द 1000 पीपल्स फ्रॉम मद्रास, 1000 पीपल्स फ्रॉम कैलकटा, 1000 पीपल फ्रॉम मुंबई, 1000 पीपल्स फ्रॉम दिल्ली। तो अगर अगर मेट्रो सिटीज पर रिसर्च कर रहा है, 4000 का सैंपल साइज, चारों चारों से मेट्रो सिटीज से 1000 का पॉपुलेशन छुट्टी है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन चार चीजों को दिमाग में रखना है आपको, रिप्रेजेंटेटिव, एडिक्वेसी, रेंडमनेस एंड होमोजिनिटी। अब सैंपल सैंपलिंग का मेथड्स क्या होता है वो भी बताएंगे, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ और डीमेरिट्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के फायदा क्या होता है और सैंपलिंग का नुकसान क्या होता है। सैंपलिंग का फायदा ये होता है कि लेसर टाइम यूज होता है। सैंपलिंग मेथड्स रिक्वायर्स द लेसर टाइम एज ओनली पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्लूडेड फॉर द डेटा कलेक्शन। तो पूरे यूनिवर्स को हम लोग पिक नहीं कर सकते, तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वी विल पिक्ड अप फॉर योर डेटा कलेक्शन। सिंस ओनली ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्लूडेड फॉर द डेटा कलेक्शन, द कॉस्ट इनकर्ड विल ऑल्सो बी लेस। अगर आप कम लोगों पे डेटा, कम लोगों पे उठाओगे, कम लोगों पे सर्वे करोगे आप, तो आपकी कॉस्ट। उसके बाद अगर आप कोई सुटेबल मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, बाय अडॉप्टिंग द सुटेबल मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन द रिजल्ट कुड बी मोर रिलायबल। अगर आप सही तरीके से सही सैंपलिंग का सही तरीका फॉलो करेंगे, सही टेक्निक फॉलो करेंगे, तो रिजल्ट भी आपके मोर रिलायबल इन नेचर होंगे। सैम्पलिंग मेथड इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज बाय टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट। ने सही तरीके से चूज नहीं किया है तो फाइंडिंग्स भी हमारी मिसगाइड करेंगी। अनलेस द सैम्पलिंग मेथड्स इज केयरफुली अप्लाइड, इट मे रिजल्ट्स इन अ मिसगाइडिंग द व्हाट वी कॉल फाइंडिंग्स। दूसरा होता है कि इट इज यूजेस ऑफ सैम्पलिंग रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा हो वो पर्सन, द पर्सन शुड हैव सर्टेन एक्सपर्टीज और सर्टेन स्पेशलिस्ट। दिस इज टर्न विल रिफ्लेक्ट ऑन द कॉस्ट, इससे कॉस्ट इंक्रीज होगी। समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन द सैंपल साइज इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज, देन सैंपलिंग मेथड वुड ऑल्सो बी डन कंज्यूमिंग एंड द कॉस्टली। अपार्ट फ्रॉम अ डिटेल्ड प्रोसेस टू द फॉलोड सैंपलिंग ऑल्सो कॉल्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ टेस्ट टू वेरीफाई द फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट। तो कुल मिलाकर ये कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो फुली ट्रेंड होना चाहिए। अगर ट्रेंड होगा तो कॉस्टिंग इंक्रीज होगी। डेटा बहुत लार्ज है तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, उससे भी कॉस्ट इनकर्ड होगी। अगर अगर जो भी कर रहा है, जो भी सैंपलिंग कर रहा है, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो कुल मिलाकर क्या होगा, आपके रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं आएंगे। अब बात करते हैं व्हाट आर द सैंपलिंग मेथड। सो वी हैव टू मेथड, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी को सैंपलिंग को बोलते हैं हम लोग रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। पहले तो यही समझिए कि रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है जहां पर इफ एवरीबडी विल गेट द इक्वल चांस टू सिलेक्ट, जहां पर सारे लोग को एक समान अधिकार मिलेगा सिलेक्ट होने को, उसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग जहां पर आप जानबूझ के डिलिबरेटली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे किससे करवाना है, किससे नहीं करवाना, इट्स टोटली योर च्वाइस। तो ऐसी जगह पर इसको हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है। ठीक, क्लियर, तो समझ गए ना। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी जहां पर वेर द एवरीबडी विल गेट द इक्वल चांस टू सिलेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जहां पर इफ एवरीबडी विल नॉट गेट द इक्वल चांस टू सिलेक्ट, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी को हम लोग रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नॉन रैंडम को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है। सामने दिख रहा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एक फिर होता है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग होता है, मल्टी फेज सैंपलिंग होता है। क्लियर भाई, हम लोग बात करते हैं इसके साथ एक क्लस्टर भी हमारा मल्टी स्टेज तरीके ही होता है। और
यहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें, जजमेंटल सैंपलिंग हमने आपको बताया, कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, सिक्वेंशियल सैंपलिंग होती है। ये सारी टेक्निक्स हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स में होता है। यहाँ पर लोग परपसिव सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, परपसिव सैंपलिंग, POSIV, परपसिव सैंपलिंग भी होती है। तो एक ही करके हम सब बताएंगे। पहला हम लोग बात कर रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स में, पहला जजमेंट सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल, परपसिव और डेलिबरेटली सैम्पलिंग ऑलमोस्ट तीनों सेम होती है। इसमें हम लोग अपने ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट के बेसिस जब डेटा फिल करवाते हैं उसको जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, उसके जजमेंट पे आप पूरा डिपेंड करता है किससे डेटा भरवाना है, किससे डेटा नहीं भरवाना है, तो उसको जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं। आप कोई सर्वे कर रहे हैं, अब आप चुन चुन के अगर नाम पूछ पूछ के या कोई उसकी क्वालिफिकेशन पूछ पूछ के अगर कोई भरवाएंगे आप डेटा, तो कहीं भी परिणाम अप्रोप्रिएट नहीं आएंगे। सैंपल सिलेक्टेड विच इन्वेस्टिगेटर थिंक सो बी मोस्ट टिपिकली ऑफ द यूनिवर्स। देखिए हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्यों यूज करते हैं? एक तो इसलिए यूज करते हैं कि डेटा को आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कराना चाहते हो, जानबूझ के वही परिणाम निकालना चाहते हो जो आप सोच के रखे हुए हो। इसीलिए हम लोग कभी कभार मैक्सिमम टाइम इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हैं। जजमेंटल की मेरिट्स क्या होती है? स्मॉल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स होता है। स्टडी अननोन ट्रेड्स, केस सैंपलिंग की बात करते हैं, अर्जेंट पब्लिक पॉलिसी एंड बिजनेस डिसीजन। आपको तुरंत कोई पब्लिक पॉलिसी का डिसीजन लेना है, बिजनेस डिसीजंस लेना है, ऐसी जगह पर मेरिट इसका यूज करते हैं। पर्सनल प्रिजुडिस एंड बायसनेस, बायसनेस तो आ ही जाएगी। नो ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट्स का, परिणाम का कोई भी रिलायबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कन्वीनियंस सैंपल्स यूनिट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड नीदर बाय प्रोबेबिलिटी नॉर बाय द जजमेंट। मेरिट्स यूजफुल द पायलट स्टडी, डिमेरिट्स रिजल्ट यूजली बायस एंड अनसेटिस्फैक्टरी। मान लीजिए आपको कहीं शॉपिंग मॉल का डेटा भरवाना है, तो आपके घर के पास जो शॉपिंग मॉल है उसे डेटा भरवा लिया, या आपको डेटा फिल करवाना है सपोज दैट कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन लखनऊ कॉलेजेस, तो आपके कॉलेजेस, आपके घर के पास में जो कॉलेज है उससे आपने डेटा भरवा लिया। तो आपके घर किसी लोग 10 लोगों को हमने ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो कुछ लोगों के घर के पास में बढ़िया कॉलेज होगा तो हमारे परिणाम अच्छे आएंगे, कुछ लोगों के घर के पास से कॉलेज खराब होगा तो परिणाम खराब आएंगे। तो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू कि हम लोग क्या करना है कि रेंडमली पिक करना है कि जब हमने लखनऊ की एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बात करना है कि अक्रॉस द यूपी की डेटा हमको अक्रॉस द लखनऊ का डेटा भरवाना होगा, फिर उसको हम लोग मीन निकाल के काम करेंगे। तो कन्वीनियंस में लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जब सैंपल भरवाते हैं उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर कोटा सैंपलिंग, कोई रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जो है आप नौकरी में आरक्षण जिसको बोलते हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोस्ट कॉमनली यूज इन अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कोटा सेटअप अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने क्या नहीं है नौकरियों में, एडमिशंस में, कि 21% SC ST की बात करते हैं हम लोग, और 27% OBC की बात कर रहे हैं, 10% हम लोग EWS की बात कर रहे हैं। तो ना चाहकर भी जनरल वाले के पास सीट्स कम ही रहता है, तो सर्टेन एक रिजर्वेशन फिक्स कर दिया कि 100 लोगों का डेटा भरवाना है, उसमें 70 मेल होंगे, 30 फीमेल होंगे, या 70 फीमेल होंगे, 30 मेल होंगे। तो यू कैन फिक्स द कोटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट एवर यू यू जस्ट वांट टू बी चूज। तो कोटा सेटअप अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द कोटा सिलेक्शन डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट, अपने उसके बाद पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर करेंगे। मेरिट यूज इन अ पब्लिक ओपिनियन स्टडी, डिमेरिट पर्सनल प्रिजुडिस एंड बायसनेस, बायसनेस तो आएगी आएगी। ये रिड्यूस लिस्टिंग कोट, ये देख लीजिए कोई कोटा फिक्स कर दिया आपने। फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग थोड़ा सा आपको समझने वाला है, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स यूज व्हेन द डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर, इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉस्ट प्रोहिबिटिव टू लोकेट रिस्पॉन्डेंट इन दीज सिचुएशंस। स्नोबॉल सैम्पलिंग रिलाइज ऑन रेफरेंस फ्रॉम इनिशियल सब्जेक्ट टू द जनरल एडिशनल सब्जेक्ट। मतलब आपने 10 लोगों को जिम्मेदारी देती कि अगर, जैसे ही बड़ा कॉमन एग्जाम्पल हम देते हैं कि यू जस्ट वॉन्ट टू डू सर्टन रिसर्च ऑन द कि ऑल दोस पर्सन हु आर टेकिंग द ड्रग्स, हम ऐसे लोगों को रिसर्च करना चाह रहे हैं जिनकी जो ड्रग्स लेते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो ऐसे तो आप किसी से पूछ नहीं सकते कि आर यू कंज्यूम द ड्रग्स, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है डेटा कलेक्ट करना। तो जहां पे बहुत एक स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ 5-10 लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दिया
और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद हमने क्या करा कि उन 10 लोगों को बोल दिया कि आप अपने नजर में जो 10 लोग हो उनसे डेटा भरवा लीजिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो रिस्पॉन्स मतलब एक चैन बनी होती है कि एक से पहले 2 लोगों क्या है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो ऐसी जगह पर स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर क्लियर है ना। अगर नॉर्मली हम लोग बोले कि हम लोग कुछ लोगों को स्नोबॉल सैम्पलिंग इज वेयर रिसर्च, जो इंग्लिश वाले हैं बता दें, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज वेयर रिसर्च पार्टिसिपेंट रिक्रूट द अदर पार्टिसिपेंट फॉर ए टेस्ट और स्टडी। इट इज यूज वेयर बाय व्हाट वी कॉल प्रोडक्टिव पार्टिसिपेंट्स आर हार्ड टू बाइंड। जो भी हमारे पोटेंशियल या प्रोडक्टिव पार्टिसिपेंट या पोटेंशियल पार्टिसिपेंट होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसीलिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे देते हैं ताकि वो दूसरे को दे दिया, एक चेन बनी रहती है इससे कि डेटा आराम से कलेक्ट हो जाता है। मेक कॉन्टेक्ट विद 1 or 2 cases इन द पॉपुलेशन, आस्क दिस केसेस टू आइडेंटिफाई फर्दर केसेस, आस्क दिस न्यू केसेस टू आइडेंटिफाई फर्दर न्यू केसेस, स्टॉप व्हेन इधर आर नो न्यू केसेस आर गिवेन और अ सैंपल इज लार्ज एज इज मैनेजेबल। एसेस टू डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन, अदर मेथड्स मे नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। तो आप जैसे कि अल्कोहल, अब मैं आपको ड्रग्स वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसे में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज पर रिसर्च कर रहे हैं, आप पूछ तो सकते नहीं कि आपको बीमारी है या नहीं है, तो कुछ लोगों को दे दे, उनके नजर में 2-4 लोग होंगे, फिर उनकी नजर में 2-4 लोग, एक चेन बनी रहती है जिससे कि सैंपल साइज डेटा आपको मिल जाता है। डिमेरिट्स आर नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड विल रिजल्ट इन अ बायस सैंपल, इट इज अ सेल्फ सिलेक्टिंग। अब एक और रह गया जो बहुत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल सैंपलिंग। कौन सैंपलिंग? सिक्वेंशियल सैंपलिंग। इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल। दिस सैंपलिंग डिजाइन इज समवॉट कॉम्प्लेक्स सैंपल डिजाइन। इसी सैंपलिंग टेक्निक्स में पहले से सैंपल साइज फिक्स नहीं होता है, याद रखिएगा, केवल एक यही सैंपलिंग डिजाइन है जिसमें पहले से सैंपल साइज फिक्स नहीं होता, इसको सिक्वेंशियल सैंपलिंग कहते हैं। इसमें हिट एंड ट्रायल पे काम करते हैं। दिस सैंपल डिजाइन इज समवॉट वेरी कॉम्प्लेक्स सैंपल डिजाइन। इन दिस सैंपलिंग ए सिक्वेंस 1 or more सैंपल इज टेकन फ्रॉम ए ग्रुप। एक ग्रुप से हमने एक या एक से ज्यादा सैंपल ले लेते हैं। वंस द ग्रुप हैज बीन सैंपल्ड ए हाइपोथेसिस टेस्ट इज परफॉर्म टू सी इफ यू कैन रीच ए कॉन्क्लूजन। इफ यू कांट द होल प्रोसीडर्स विल बी रिपीटेड। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिक्वेंशियल सैंपलिंग इज दैट द सैंपल साइज इज नॉट इन एडवांस बिकॉज यू डोंट नो एट द आउटसेट हाउ मेनी टाइम्स यू विल बी रिपीटिंग द प्रोसेस। मतलब आपने एक सैंपल साइज, एक ग्रुप उठाया, उसमें से कुछ डेटा फिक करा, उस पर आपने अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज करके परिणाम निकाले। अगर परिणाम निकल जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं निकलते हैं तो आप फिर दूसरा सैंपल उठाइए, फिर तीसरा सैंपल उठाइए, चौथा सैंपल उठाइए, पांचवा सैंपल उठाइए। इसीलिए इसमें सैंपल साइज पहले से एडवांस में प्लान नहीं करते, तो पूरा हिट एंड ट्रायल पर चलता है सिक्वेंशियल सैंपलिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बताइए नॉन रैंडम सैंपलिंग्स में आपको कोई डाउट है तो बताइए। स्टार्ट फ्रॉम द, हमने आपको जजमेंटल सैंपलिंग बताया, पर्पसिव सैंपलिंग, डेलिबरेटली सैंपलिंग सेम ही होता है। हमने आपको बात किया कन्वीनियंस सैंपलिंग की, हम लोगों ने बात किया कन्वीनियंस सैंपलिंग के बाद हम लोगों ने बात किया स्नोबॉल सैंपलिंग की, बात किया कोटा की, कोटा सैंपलिंग की हम लोगों ने बात किया, एंड कोटा के बाद सिक्वेंसल सैंपलिंग की बात किया। कोई डाउट हो तो बताइए, या हम लोग या तो स्टार्ट करते हैं व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। डू प्लीज टेल मी, कोई डाउट हो तो बताइए। जल्दी से बताइए, फिर हम लोग अदरवाइज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग खत्म हो गई है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताइए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की हम लोग खत्म हो गई, अब बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे। इसमें पहला हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल
सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब हजार आपको कहीं किसी से भी डेटा फिल करवा लिया आपने, ठीक है। तो ईच यूनिट हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, चांसेस डिटरमाइन विच आइटम शैल बी इंक्लूडेड। तो सिंपली रैंडमली सैंपलिंग के तहत हम लोग डेटा फिल करवाते हैं, उसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। सैंपल इज ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल आइटम सिलेक्ट इंडिपेंडेंटली एट ईच सिलेक्शन ऑल रिमेनिंग आइटम्स हैव सेम चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड की हम लोग बात करते हैं। रमा स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रिसर्च कर रहे हो, इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, वो ड्रग्स वाला एग्जांपल याद रखिए कि आपको कि जो ड्रग्स लेते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। तो आप तो ऐसे अगर 100 लोगों से आपको भरवाना है तो आप ऐसे कैसे 100 लोगों से डेटा भरवाएंगे, पूछेंगे तो वही नहीं किसी से कि आप ड्रग्स लेते या नहीं लेते, कोई बताएगा भी नहीं। तो आपने दो चार लोगों को जिम्मेदारी दे दिया कि आपके कोई नॉलेज में दो चार लोग ऐसे हो जो ड्रग्स लेते हो, उनसे ये क्वेश्चनियर भरवा दीजिएगा। उन दो चार लोगों ने और आगे लोगों से बोला, फिर दो चार लोगों ने और आगे बोला, इसीलिए इसमें एक चैन बन जाती है। फिर एक से दो हुआ, फिर दो से चार हुआ, चार से आठ हुआ, इसको हम लोग चैन सिस्टम भी होता है इसमें, इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। इट में भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, हमने बताया भी कि स्नोबॉल सैंपलिंग इज वेयर रिसर्च पार्टिसिपेंट रिक्रूट अदर लोगों को रिक्रूट करते हैं, पार्टिसिपेंट रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट फॉर टेस्ट और स्टडी। इट इज यूज वेयर द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड, जब पोटेंशियल पार्टिसिपेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं तो हम ऐसे हम कुछ लोगों को जिम्मेदारी देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर डेटा फिल करवा दीजिए। अब अगली बात करते हैं, सिंपल रैंडम हो गया। लॉटरी मेथड पता ही है कि लॉटरी निकालने वाला कि एक भाई सिंपल है, सिंपल रैंडम का नो पर्सनल बायसनेस कुछ नहीं होता उसमें। सैंपल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक बहुत एक सैंपल हमारे बहुत अच्छा होता है। एक्यूरेसी कैन बी असेस एज सैम्पलिंग एरर्स फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ चांसेस, रिक्वायर्स कंप्लीटली कैटलॉग यूनिवर्स, कैटलॉग्ड यूनिवर्स होगा, पूरी तरह से एक यूनिवर्स बटा हुआ होना चाहिए अलग अलग चीजों में जिस चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, कैटेगोरिकल डेटा अलग अलग होगा, तो आप आराम से सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब है किसी से भी डेटा भरवा ले रहे हैं विदाउट आस्किंग देयर नेम, देयर आपका रिलीजन, किसी भी चीज बिना पूछे आप किसी से भी जब डेटा बिल करवाते हैं उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम के बाद आगे अभी एक और है, अभी डेटा फाइव सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल समझिए, सिंपल रैंडम का हमने एग्जांपल समझ लिया कि एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, आपको 100 लोगों से डेटा भरवाना है, तो आपने किसी भी 100 बच्चों से डेटा भरवा लिया। भाई सिस्टमेटिक रैंडम की हम लोग बात करते हैं जब कि पहला तो आपने रैंडमली चूज कर लिया, 1000 बच्चे अभी भी 1000 ही हैं, बस सिस्टमेटिक रैंडम में पहला आपने मान लिया कि बच्चा कोई जिसके 1 से लेकर 1000 तक की रोल नंबर है, पहला आपने बच्चा कोई भी रैंडमली पिक कर लिया, उसके बाद बोला कि हर 10वां बच्चा, हर 10th बच्चे से हम डेटा फिल करवाएंगे, हर 8th बच्चे से हम लोग डेटा भरवाएंगे, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। पहला जो डेटा उठाना है वो आप रैंडमली उठा लीजिए, बच्चा हुआ सब एक सिस्टम 8th, 10th, 12th जो भी आपको बनाना है उसी के क्रम में उसी के सीरियस में बनके आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो सिलेक्टिंग द फर्स्ट यूनिट एट ए रैंडम, देखिए लिखा भी है, सिलेक्टिंग एडिशनल यूनिट एट ए इवनली स्पेस इंटरवल, आप किसी भी तरीके से, क्लियर, सिंपल्स एंड कन्वीनियंट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, 2 मिनट पॉपुलेशन विल इडन द, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फायदा ही है इसमें, इसमें भी डेटा हमारा एक्यूरेट आता है। स्टेटिफाई सैंपलिंग हम लोग कहां पर यूज करते हैं ये समझ लीजिए, जब हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना होता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मतलब पॉपुलेशन हमारी अलग अलग टेस्ट, अलग अलग प्रेफरेंसेस, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर से लोग होते हैं, तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना होता है, ऐसी जगह पर स्टेटिफाई रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स इज सब डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप, पूरे यूनिवर्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज देन चूजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच ग्रुप, तो आपने पहले हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया और ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट आपने स्टेटा बना दिए। मान लीजिए 5 स्टेटा बना दिए, आपको 500 से का सैंपल साइज है, तो एक स्टेटा मान लीजिए कि इसमें भी 1 लाख लोग हैं, इसमें भी 1 लाख लोग हैं, इसमें भी 1 लाख है, इसमें भी 1 लाख है, इसमें भी 1 लाख है, तो आपको 500 लोगों से डेटा भरवाना है, तो 100 लोग इसमें उठा लीजिए, 100 लोग इसमें से, 100 लोग इसमें से, 100 लोग इसमें से, 100 लोग इसमें से, तो वही सिंपल रैंडम सैंपलिंग कोई भी 100 लोगों से भरवा लीजिए।
तो हम लोग जब होल पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और सर्टेन सर्टेन स्टेटा बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको बोलते हैं स्टेटाफाइड सैम्पलिंग। इश्यूड इन्वॉल्व इन स्टेटिफिकेशन, उससे हमारा फायदा क्या होता है, कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, बेसिस ऑफ स्टेटिफिकेशन, नंबर ऑफ स्टेटा, सैंपल साइज विद इन द स्टेटा, सैंपल साइज विद इन द स्टेटा प्रोपोर्शनल डिस्प्रोपोर्शनल। कोशिश करिए हर हर स्टेटा से, अगर पांच स्टेटा बनाए, पांचों स्टेटा से सेम नंबर का डेटा उठाइए आप। मेरिट्स को होती है मोर रिप्रेजेंटेटिव निकलता है, एक्यूरेसी ग्रेटर होती है एंड ग्रेटर ज्योग्राफिकल कंसेंट्रेशन आता है। डिमेरिट्स ऑटमोस्ट केयर इन डिवाइडिंग द स्टेटा, आपको मतलब एक एक्सपर्टीज होगा तभी आप पूरे स्टेटा को डिवाइड कर पाएंगे ठीक तरीके से, पूरी केयर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्किल्ड सैम्पलिंग सुपरवाइजर होना चाहिए, हमने पहले बता दिया। कॉस्ट पर ऑब्जर्वेशन में बी वेरी हाई। क्लस्टर इज अगेन सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट इन डिवाइडेड इनटू ग्रुप और क्लस्टर्स एंड रैंडम सैंपल्स ऑफ दिस क्लस्टर इज सिलेक्टेड। ईच क्लस्टर मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड टूगेदर द क्लस्टर्स मस्ट इंक्लूड द इंटायर पॉपुलेशन। तो क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज और क्लस्टर समहाउ कॉम एक जैसी होती है। आफ्टर आफ्टर द क्लस्टर्स आर सिलेक्टेड देन ऑल यूनिट्स विद इन द क्लस्टर्स आर सिलेक्टेड, नो यूनिट्स फ्रॉम नॉन सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो क्लस्टर सैंपलिंग आपको कॉमन वे, अपने सर्टन यहां पर हेट्रोजीनियस होमोजीनियस से मतलब नहीं है, पूरे पूरी पॉपुलेशन को सर्टेन आप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट के बेसिस पर क्लासिफाई कर देते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ सैंपलिंग, सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ सैंपलिंग है। लार्जर सैंपल फॉर ए सिमिलर फिक्स कॉस्ट, लेस टाइम फॉर लिस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, रिड्यूस द ट्रेवल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। डिमेरिट्स मे नॉट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी क्योंकि आपने पहले ही से ही अलग 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 उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपने पहले से क्या करा है, एक क्लस्टर बना लिया है, तो डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी आपको। स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ द एस्टिमेट आर हाई कंपेयर टू द अदर सैंपलिंग डिजाइन विद द सैंपल साइज। मल्टी स्टेज क्या होता है, हमने पूरे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बांट लेते, जैसे कि आपने इनकम ग्रुप से बांट लिया कि 0 से 2.5 लाख वाला एक एक इनकम में आएगा, 2.5 से 5 लाख वाले एक में, 5 से 10 वाला एक, 10 से 20 में एक। तो सैंपलिंग प्रोसेस कैरीड आउट इन वेरियस स्टेजेस, आप इनकम ग्रुप से, आप एज ग्रुप से बना लेते हैं, मतलब 18 साल से आप 60 साल के बीच में रिसर्च कर रहे हैं, तुमने 18 से 25 का एक ग्रुप बना लिया, 25 से 35 का एक, 35 से 45 एक, 45 से 55 एक, 55 से ऊपर सब एक। तो हम लोग किसी भी बेसिस पर सर्टेन सर्टेन स्टेजेस बना लेते हैं। तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिकॉज इट बैंक्स और मल्टीपल रेंडमाइजेशन, इट इज यूज फ्रिक्वेंटली व्हेन ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनअप्रोप्रिएट। भाई स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, हम लोग इसमें स्टेज 1 में कंट्रीज हो गई, स्टेज 2 में सेगमेंट हो गए, स्टेज 3 में हाउस होल्ड हो गए, स्टेज 4 में इंडिविजुअल। तो किसी के बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप सर्टेन पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं। फिर एक होती है मल्टी फेज, मल्टी फेज सैंपलिंग होती है जब हम लोग डेटा डिफरेंट फेजेस में कलेक्ट करते हैं। देखिए हमने इसीलिए आपको पहले दिन बताया था रिसर्च को, अगर आप पूरी रिसर्च पढ़ने के बाद अगर पूरी रिसर्च को आप इंटर रिलेट कर पाते हो कि कौन सी चीज कहां पर लगेगी, कौन सी रिसर्च डिजाइन यूज होगी आपकी, कलेक्शन ऑफ डेटा कौन सा मेथड यूज होगा, कोरिलेशन की टेक्निक कौन सी लगेगी, पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, सैंपलिंग कौन सा होगा, स्केलिंग कौन सा होगा, अगर एट द एंड ऑफ द माई लेक्चर, अगर आप 12-15 लेक्चर लेने के बाद अगर सब कुछ समझ जाते हो तभी समझ लीजिए कि आपको रिसर्च समझ में आई। सारे इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ के आप पास तो हो सकते हो लेकिन रिसर्च समझ में नहीं आया। हमने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अगर आप डायनेमिक रिसर्च कर रहे हो तो आपको डेटा मल्टी फेज सैंपलिंग में यूज करना पड़ेगा, मल्टी स्टेज नहीं मल्टी फेज, वो इस नोट्स में लिखी नहीं है। मल्टी फेज सैंपलिंग जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई मेडिसिन है, मेडिसिन का इम्पैक्ट देखना है एक मरीज पे, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पहले 8 दिन की खाइए, फिर 15 दिन की खाइए, फिर 30 दिन, फिर 45 दिन। अब सोचो कि आप एक बार उसको दबा दें डॉक्टर पेशेंट को, उसका फिर इम्पैक्ट देख लें तो परिणाम निकल के नहीं आएंगे। तो आपको परिणाम निकालने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आपको उसके टेस्ट करने पड़ेंगे, तब ठीक से परिणाम निकल के आएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन,
केंद्र सरकार की योजनाओं का गरीबी हटाओ पे क्या प्रभाव पड़ा 2014 से लेकर अभी तक। तो एक साल का डेटा आपने ले लिया केवल, वो तो हमारी स्टैटिक स्टडी हो गई। तो डायनेमिक तभी होगी, हम हर साल का डेटा ले रहे हैं। उस डेटा लेने के बाद 7-8 साल का डेटा लिया आपने, हर बार सैंपलिंग करके डेटा लिया, उसके बाद परिणाम निकालते हैं, तब तो आपके कहीं अप्रोप्रिएट रिजल्ट निकल के आएंगे। तो मल्टीफेज सैंपलिंग का मतलब डेटा हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल है या क्रॉस सेक्शनल डेटा है, जब एक एक 5 5 साल 10 साल की रिसर्च कर रहे हैं हम, और रिसर्च हमारी पूरी डायनेमिक इन द नेचर है, तो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, वी हैव टू बी गॉन थ्रू द मल्टी फेज सैंपलिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो बताइए। इफ एनी एनी इंप्रूवमेंट डू यू वॉन्ट, कोई भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट चाहिए, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, या कुछ जो भी आपको दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी एनी थिंग्स। और कोई डाउट हो रिसर्च में, अभी तक हम लोगों ने 7 8 लेक्चर ले चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस बता दिया हमने पूरा आपको डिटेल में, उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू बताया, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू बताया, हाइपोथेसिस बताया, क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च बताया, बेसिक एथिक्स आप बताया हमने रिसर्च की, उसके अलावा रिसर्च डिजाइन बताई 12 13 टाइप की, आपको कलेक्शन ऑफ डेटा बता दिया, और आज हमने सैंपलिंग बता दिया। अब आगे बताएंगे स्केलिंग, कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क बेटा, आप लोग पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। विशाखा मैम आप, सीमा मैम आप, आकृति, दिव्या, शिखा, एनीबॉडी से एनीबॉडी से भी डाउट प्लीज आस्क मी। किसी को किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताइए। जल्दी बताइए कोई डाउट हो तो, अदरवाइज हम लोग आज का क्लास कंक्लूड करें, और वी विल मीट यू प्रॉब्ली बाय नाउ मंडे, टुमारो इज क्रिसमस, सो इन अ मेरी क्रिसमस इन एडवांस, और वी विल और बी केयरफुल, और वैसे कोरोना आपको पता ही है कि दोबारा आने लगा है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बी टेक केयर, गुड बाय, वी विल मीट यू प्रॉब्ली बाय द ऑन मंडे, ठीक है, एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।